उपचरित और सद्बुद्धि व्यवहार में। इसका विषय बुद्धिपूर्वक होने वाले रागादिक कषायादिक। बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या लेना है? बुद्धि में पकड़ में आने वाले, इतना स्थूल। तो ये हो गया उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। तो चार प्रकार के व्यवहार नयों का ये स्वरूप हुआ पंचाध्यायी के अनुसार। ये जो चार प्रकार के व्यवहार नय बतलाए पंचाध्यायी में और अन्य परंपरा में जो बतलाए थे, इन दोनों को लक्ष्य में लेने पर पंचाध्यायी के सामने दो तरह की समस्याएं खड़ी होगी। दो प्रकार की समस्याएं उनके सामने आई। एक तो ये कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय नहीं बचा इनके पास में, करें क्या? क्योंकि उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय को इन्होंने असद्भूत में दे दिया। समझ में आ रही है क्या बात आपको? पंचाध्यायीकार ने उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय को, उपचरित सद्भूत के विषय को असद्भूत में बांट दिया। मतलब सेकंड नंबर वाले नय को के विषय को थर्ड और फोर्थ में बांट दिया, तो सेकंड नंबर वाला खाली हो गया। अब उसमें क्या करें? तो उसके समाधान के लिए उन्होंने अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान की एक नई बात साथ में जोड़ दी। अब चूंकि सेकंड नंबर वाले को थर्ड फोर्थ में बांट दिया था, तो फिर थर्ड फोर्थ का क्या होगा, तीसरे और चौथे नए का क्या होगा? तो उस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने चार प्रकार के नयाभास बतला दिए। उन चार प्रकार के नयाभासों की चर्चा भी कल हम यहां कर चुके हैं। बोलो, पहले प्रकार का नयाभास कौन सा था? शरीर और शरीर को ही जीव कहना, शरीर और आत्मा को एक कहने वाला, शरीर आत्मा को एक कहने वाला नए नहीं, नयाभास है। क्योंकि शरीर और आत्मा किसी भी रूप में एक हो नहीं सकते हैं। दूसरे प्रकार का नयाभास कर्म और नौकर्म का कर्ता भोक्ता कहना, ये दूसरे प्रकार का नयाभास है। इसमें क्या लेंगे कर्म और नौकर्म में? द्रव्य कर्म। और देखना, ध्यान देना, इसमें जो कर्म और नौकर्म शब्द का प्रयोग किया है, ये नौकर्म के शब्द का प्रयोग विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से शरीर के लिए आया है, पृथक पदार्थों के लिए नहीं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यदि अपन इसमें कर्म और नौकर्म की चर्चा में स्त्री पुत्रादि का कर्ता, घर बार महल मकान का कर्ता, उसको यदि यहाँ शामिल कर लेंगे दूसरे में, दूसरे नयाभास में, तो फिर तीसरे में क्या लेंगे? तीसरे नयाभास में क्या बतलाया? हाँ, उनका कर्ता भोक्ता कहना। इसका मतलब पहले नयाभास में शरीर के कर्तापन की बात कही, कर्तापन की, या समझ लो एक में एकपन की, शरीर और आत्मा एक ही है ऐसा। और दूसरे नयाभास में शरीर और द्रव्य कर्मों के कर्तापन के साथ साथ भोक्तापन की बात भी कही। ये दूसरे प्रकार का नयाभास हो गया, ठीक है। तीसरे नयाभास में जो शरीर से संबंध रखने वाले ऐसे बाहरी पदार्थ हैं, उनके कर्ता भोक्तापन की बात कहना, ये तीसरे प्रकार का नयाभास। और चौथे प्रकार के नयाभास में किसे शामिल करेंगे? ज्ञेय को ज्ञानगत और ज्ञान को ज्ञेयगत, ये ज्ञान ज्ञेय संबंध की चर्चा करना, ये चौथे प्रकार का नयाभास है। हाँ बोलो। ऐसा क्यों कहें अपन? पहला, दूसरा और चौथा कहें ना। अनुपचरित असद्भूत में ली थी बेटा अपन ने। ये तो अपन ने ऐसा भेद डाला था, लेकिन ज्ञान के संबंध को इन्होंने अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने के अंदर ही डाला था, डायरेक्ट संबंध होने के कारण। कोई बात नहीं, तो भी ज्ञान और ज्ञेय के बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर आगे इस तरह की चर्चा भी उठाई थी अपन ने, अपन ने चर्चा में इस तरह का भेद कर दिया था कि छद्मस्थ की अपेक्षा से उसको आप उपचरित में ले लो और केवल ज्ञान की अपेक्षा से उसे अनुपचरित असद्भूत में ले लो।
लेकिन तो भी यहाँ जो उल्लेख किया है दादा ने प्रकरण में जो उल्लेख किया है, ऐसी चर्चा भी उठाई है, प्रश्न भी उठाया है, आपको ध्यान होगा कि ज्ञान के संबंध को आपने इसमें क्यों लिया जबकि वो तो दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ हैं। तो फिर उसका समाधान करते हुए कहा भाई डायरेक्ट संबंध है, इसलिए ज्ञान और ज्ञेय हम तो ये कह रहे हैं ना, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं किसके माध्यम से जाना और किसको जाना। ज्ञान का ज्ञेय के साथ में जो संबंध होता है वो डायरेक्ट संबंध होने के कारण अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय बनता है। देखना वो विषय मिल गया ना, क्या कहा उसमें? हाँ ठीक बात है, बस सीधा संबंध पाया जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है हो गया। अभी देखो यहां भी आएगी ये चर्चा, जो अपन पंचाध्याय वाला प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी पहले दूसरे और चौथे की ही बात कही है। मैं आगे पढ़ता हूं, आप लोग निकालिए पेज नंबर 182 का लास्ट, 182 के लास्ट में आ जाओ। चौथे प्रकार का नया भास पंचाध्यायी के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय का जो परस्पर बोध्य बोधक संबंध है ज्ञान ज्ञेय के बीच में, उसके कारण ज्ञान को ज्ञेयगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना भी नया भास है। क्योंकि जिस प्रकार चक्षु रूप को देखती है तथापि वह रूप में चली नहीं जाती, ठीक है, किंतु चक्षु ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है तथापि वह ज्ञेय रूप नहीं हो जाता किंतु ज्ञान ही रहता है। पंचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नया भासों के स्वरूप और विषय वस्तु पर सम्यक दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र जो विषय अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के बताए गए हैं उन्हें ही पंचाध्यायी में चार नया भासों में विभाजित कर दिया गया है। माने असद्भूत व्यवहार नय के जो दो भेद बतलाए थे जिन्हें शास्त्रों में नय कहकर के पुकारा जाता था, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय जिनको कहा जाता था, उनको पंचाध्यायीकार ने चार प्रकार के नया भासों में बांट दिया है। ये बात हमारे समझ में आई है। माने ऐसा समझ लो अपने जो आगम परंपरा में शास्त्रों में जो दो प्रकार के सद्भूत और दो असद्भूत थे, दो सद्भूत को चार नए और दो असद्भूत को चार नया भास, ठीक है ना गांधी जी? माने दो सद्भूत नए थे, उन दो सद्भूत नयों को चार व्यवहार नयों में, और जो दो असद्भूत व्यवहार नए थे उनको चार प्रकार के नया भासों में बांट दिया है पंचाध्यायीकार ने। देखो आगे पढ़ते हैं अपन, कुछ पूछना बोलो। किसका? ठीक है ले लिए, दूरस्थ की बात कर दी ना उन्होंने, दूरस्थ का अर्थ लगा लो कैसा लगाना है, कहाँ ये बात? अच्छा अब ये अपने देखो वो पढ़ रहे हो तुम, हाँ ठीक है, तो हमें कोई एतराज नहीं है ना उसमें, हाँ नहीं नहीं ठीक है, अनुशीलन में ऐसा लिखा है, ठीक है, हम कह ही चुके हैं ना ये बात भाई, नए अनिवार्य नहीं है, जहां लगेंगे जैसे लगेंगे वहां वैसे लगाओ, आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। अब समझ लो आप एक ही नए या समझ लो एक ही विषय, दो दो नयों का भी तो विषय बन जाता है ना, एक वाक्य कहा हमने वो दो नयों का विषय बन जाता है, और वो भी परस्पर विरुद्ध, निश्चय का भी विषय हो जाएगा, व्यवहार का भी विषय हो जाएगा, राग और आत्मा की चर्चा अशुद्ध निश्चय ने का विषय भी हो जाएगा और उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का भी विषय हो जाएगा। अभेद देख रहे हो या भेद देख रहे हो? दृष्टि बदल गई। राग और आत्मा को यदि आपने अभेद देखा है, रागी आत्मा ऐसा कहा है अशुद्ध निश्चय ने में चला गया और आत्मा में राग, ये उपचरित सद्भूत विषय का विषय हो गया।
तो इसी तरह से ज्ञान ज्ञेय के संबंध में भी लगाओ, ठीक है ना। ज्ञान ज्ञेय संबंध को निकट का कहो या दूर का, यदि आप दूर का ही देख रहे हैं, उसको पृथक वस्तु देख रहे हैं और पृथक वस्तु देख करके उसके साथ में संबंध बिठाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपका कहना बिल्कुल सही है, उपचरित असद्भूत व्यवहारने के विषय में ही जाएगा। देखो आगे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने के विषय को लेकर क्या बात कह रहे हैं यहां, अनुपचरित असद्भूत, ये कौन सा नए है, तीसरे नंबर वाला, इसके विषय को लेकर प्रथम द्वितीय व चतुर्थ नया भास। अब आ गया चतुर्थ भी इसमें अनुपचरित असद्भूत में, अब हम क्या करें बताओ, साफ साफ लिखा है यहां पर, पहला दूसरा और चौथा। अब देखो ये दूसरे नया भास को इन्होंने अनुपचरित असद्भूत से जोड़ा है, तो दूसरे नया वास को अनुपचरित असद्भूत से जोड़ा, इसका मतलब क्या निकला, हाँ नौ कर्म का अर्थ शरीर लेना है, क्योंकि नौ कर्म का अर्थ यदि हमने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हुए संयोग ले लिए यदि वहां, तो फिर वो दूसरे में नहीं आएगा। हाँ, तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार नय को लेकर तृतीय नया वास निरूपित किया है, निरूपित है, ठीक है। प्रथम नया वास में संश्लेष सहित पदार्थों के एकत्व को, पहले नयावास में, दूसरे नयावास में उन्हीं के कर्ता कर्म संबंध को, उन्हीं का कर्ता कर्म संबंध दूसरे नयावास में, माने द्रव्य कर्म का कर्ता कर्म संबंध, शरीर का कर्ता कर्म संबंध, इनको ग्रहण किया है। तीसरे नयावास में संश्लेष रहित पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है, तीसरे प्रकार के नयावास में संश्लेष रहित माने भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों की चर्चा तीसरे प्रकार के नयावास में आएगी। तथा चौथा नयावास बोध्य बोधक संबंध को लेकर बताया गया है, बोध्य बोधक संबंध को अन्यत्र अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में लिया गया है। बोध्य बोधक संबंध माने वही ज्ञान के संबंध, ज्ञान के संबंध को अन्यत्र कहां लिया गया है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में लिया गया है। देखो यदि आप उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार नय में डालेंगे, मान लीजिए आप ऐसा करते हैं कि ये ज्ञान ने ज्ञेय को जाना, ये ज्ञान का ज्ञेय बना, ऐसी कोई बात आप कहते हैं और उसके बारे में लिखते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा भिन्न क्षेत्रवर्ती पृथक पदार्थ होने के कारण, दूरवर्ती पदार्थ होने के कारण उनसे संबंध बनाना वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, इसलिए उसको उपचरित असद्भूत में डाला गया। हाँ, इसलिए वो अनुपचरित में जाएगा। इस प्रकार प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय को लेकर कहे गए हैं। स्पष्ट है बात। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार नय और उनके भेद प्रभेदों के स्वरूप तथा विषय वस्तु के संबंध में जनवाणी में दो शैलियां प्राप्त होती है, जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामों से अभिहित कर सकते हैं। पहली शैली नए चक्रादि ग्रंथों से प्राप्त शैली और दूसरी शैली पंचाध्यायी में प्राप्त शैली, ये दो हो गई, ये शैलियों के दो नाम हो गए। इसी प्रकार की विभिन्नता निश्चयनय के संबंध में भी पाई जाती है, निश्चयनय के संबंध में भी ऐसी विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे कैसे होगी, हाँ बस न तथा की वजह से, जिसकी चर्चा पहले की ही जा चुकी है। दोनों ही प्रसंगों पर पंचाध्यायी कार अपनी बात को संयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखने वालों के प्रति दुर्मति, मिथ्या दृष्टि आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। माने पंचाध्यायी कार स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं कि ये जो बात आप कह रहे हो ये बात ठीक नहीं है, ये बात हमारे को जचती नहीं है। दोनों शैलियों के लिए, माने ऐसा समझ लो शरीर आदि के कर्ता धर्ता वालों के लिए भी कह रहे हैं दुर्मति मिथ्या दृष्टि, और निश्चय नहीं के भेद मानने वालों के लिए भी कह रहे हैं दुर्मति है मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आ गई ना बात।
माने निश्चय नये वाली जो शैली है, निश्चय नये का जो प्रतिपादन किया है प्रथम और द्वितीय शैली में, उन दोनों में भी अंतर है, और व्यवहार नये के जो प्रयोग किए हैं उनमें तो बहुत अंतर स्पष्ट दिखता ही है हमारे को। जहाँ एक और वे निश्चय नये के भेद मानने वाले को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर संश्लेष सहित और संश्लेष रहित संबंधों को अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहार नये का विषय मानने वालों को भी वे उसी श्रेणी में रखते हुए दिखाई देते हैं। कितना स्पष्ट है, निश्चय नये के भेद मानने वालों को भी मिथ्या दृष्टि मानते हैं, और संश्लेष रहित या संश्लेष सहित जिनका संबंध है ऐसे शरीर, द्रव्य कर्म और पृथक पदार्थ, इन सब के साथ में संबंध बताने वाले को भी वे मिथ्या दृष्टि घोषित करते हैं, उसी श्रेणी में रखते हैं, दोनों एक जैसे हैं। जिस प्रकार तर्क वितर्क पूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि अपर पक्ष से वे अपरिचित थे। आपको लगता है पंचाध्यायीकार को देख करके, पंचाध्यायी के नयों को पढ़ करके, नया भाषाओं को पढ़ करके, कि उनको ध्यान में ही नहीं होगा, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने आगम अभ्यास किया ही नहीं। अरे यदि नहीं किया होता तो उपचरित अनुपचरित सद्भूत और असद्भूत शब्द ही कहां से लाते? आखिर उन्होंने उपचरित सद्भूत अनुपचरित सद्भूत उपचरित असद्भूत अनुपचरित असद्भूत ये जो चार शब्द दिए हैं, ये शब्द आगम के आधार से ही तो दिए हैं। और दूसरी बात, इन नयों की जो मूल परिभाषाएं दी है, ये परिभाषाएं भी तो आगम के आधार से ही दी हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने आगम तो पढ़ा ही था और आगम का ज्ञान उनको था। जिन तर्कों के आधार पर जिनागम में ही अन्यत्र अपर पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन तर्कों को वे स्वयं उठा उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं, करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं वे तर्क, जबकि प्रथम शैली वाले दूसरी शैली की आलोचना तो दूर चर्चा तक नहीं करते। आला पद्धति में पंचाध्यायी के नयों की चर्चा करते भी कैसे है? वो पहले ही हो चुके थे, पंचाध्यायी का दृष्टिकोण उन लोगों के सामने था ही नहीं। पंचाध्यायी का तो अभी 400 साल पहले हुए हैं और बाकी सारे ग्रंथ सैकड़ों वर्षों पहले लिखे जा चुके हैं, इसलिए प्रथम शैली वालों के द्वारा द्वितीय शैली की चर्चा करना कहीं दिखाई नहीं देता, वो उसकी चर्चा तक नहीं करते। और जबकि द्वितीय शैली वाले प्रथम शैली की स्पष्ट रूप से चर्चा करते हैं, नाम उल्लेख करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं, उससे कदाचित तुलना करते हैं और प्रथम शैली के अनुरूप अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं द्वितीय शैली वाले पंचाध्यायी। उक्त संदर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से संतुलित चर्चा अपेक्षित है, ये चर्चा अपेक्षित है, संतुलित चर्चा होनी चाहिए, दोनों के बारे में चर्चा होनी चाहिए, विचार मंथन होना चाहिए। नए है, नए का मतलब ही ये होता है अपेक्षा, दृष्टिकोण, किस दृष्टि से देख रहे हैं आप, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण। यद्यपि माइल धवल स्वामी ने जे नए दिट्ठी दिट्ठी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वहां दृष्टि शब्द, क्योंकि जब हम सम्यक दृष्टि कहते हैं तो वहां दृष्टि शब्द का अर्थ श्रद्धा के अर्थ में होता है, जब हम दृष्टि के विषय की बात करते हैं तो वहां श्रद्धा के अर्थ में होता है, और यहां जहां दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है ये दृष्टिकोण है, ये ज्ञान की पर्याय है, हाँ ये नजरिया है। उक्त दोनों ही शैलियां आध्यात्मिक शैलियां हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो अपन, प्रथम शैली आध्यात्मिक शैली है और द्वितीय शैली परम आध्यात्मिक शैली है, नहीं कह सकते आध्यात्मिक तो दोनों ही है, लेकिन प्रथम शैली वाले की तुलना में जब दूसरी शैली को देखते हैं तो हमें लगता है दूसरी शैली बहुत कोई अति अध्यात्मवादियों की जैसी हो गई है। इन्होंने उस चर्चा को ही नहीं छेड़ा, तुम कह कैसे सकते हो कि मेरा नाम रमन है, गलत हो जाएगी ये बात, ऋषभ भी नहीं कह सकते अपना नाम, झूठ हो जाएगी बात, ठीक है ना। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। नयों को नया वास मान ऐसा कैसे कहें,
ऐसा 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 कहने पर तो पांडे राजमल्ली आ जाएंगे उस घेरे में। मानने की बात कर रहे हैं ना, ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, इनका विशेष दृष्टिकोण है भाई, ऐसा ही मानो आप, इनकी विशेष अपेक्षा है। हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप ऐसे प्रयोग कहीं मत करना। हमने क्या सिखाया आपको पूरी क्लास में? हमने आज तक यही तो सिखाया है, जब भी आपको नए प्रयोग करने का अवसर मिले तो आप प्रथम शैली में निरूपित नयों का ही प्रयोग करें, द्वितीय शैली वाले नयों का प्रयोग नहीं करें। तो फिर नहीं करने हैं तो सिखाया क्यों है? इसलिए सिखाया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा यदि द्वितीय शैली के नए प्रयोग किए जाएं तो आप उस विद्वान वक्ता को गलत न माने, अपितु अपनी दृष्टि में तुरंत सुधार लें, ये द्वितीय शैली से बात कर रहे हैं। प्रयोजन गलत नहीं है, वितरकता ही है बस, उद्देश्य कहाँ गलत है? गलत थोड़ी ना कह रहे हैं हम पंचाध्यायीकार को। आखिर पंचाध्यायीकार का प्रयोजन तो यही था, ये इनके इन प्रकारेण दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो। आप ऐसी चर्चा ही क्यों करते हो? लेकिन फिर भी हमारे को जचती नहीं है वो बात, ज्यादा खींचतान है उसमें। इसलिए गायब क्यों हो जाएगा? कह रहे हैं हम नया वस्त्र चला लेंगे काम, पहले प्रकार के नया वास्त से ऐसा मान लेंगे, दूसरे प्रकार से नया वास्त से ऐसा कह देंगे, तीसरे नया वास्त से ऐसा कह देंगे। उक्त दोनों ही शैलियां आध्यात्मिक शैलियां हैं और दोनों ही प्रकार के प्रयोग जिनागम में कहीं भी देखे जा सकते हैं, ऐसे प्रयोग मिल सकते हैं। अतः उन्हें किसी व्यक्ति विशेष या ग्रंथ विशेष के नाम से संबोधित करना उचित प्रतीत न होने पर भी काम चलाने के लिए कुछ न कुछ नाम देना तो आवश्यक है ही। हम क्या करें, अन्य समस्त आगम और परमागम में तो प्रायः इसके प्रयोग ही पाए जाते हैं, नए नाम तो नहीं मिलेंगे कहीं भी। जनवाणी में आप तलाशेंगे तो आपको नए भी नहीं मिलेंगे, नया आवाज भी नहीं मिलेंगे, नाम भी नहीं मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे सीधे सीधे। अब उनमें अपने आप प्रयोग करना पड़ेगा उनको। अतः पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो पाता जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भाषित होता है। इन ग्रंथों में नयों के स्वरूप एवं विषय वस्तु की दृष्टि से सीधा प्रतिपादन है, डायरेक्ट ही प्रतिपादन है नयों की दृष्टि से ही, अतः यह भेद एकदम स्पष्ट हो जाता है। फिर पंचाध्यायीकार तो भिन्नता संबंधी कथनों को स्वयं उठा उठाकर अपने कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, इसलिए और अधिक स्पष्ट हो जाती है वो बात। जब पंचाध्यायीकार बार बार में ये बात कहते हैं, स्वयं ही उठाते हैं तर्क, ऐसा मानने से, ऐसा ऐसा मानने से, तो अंतर ख्याल में आता है। अतः भिन्नता उभर कर सामने आ जाती है। उक्त ग्रंथों के नाम पर उक्त शैलियों के नामकरण का एक कारण यह भी है। इस तरह से अपना ये पंचाध्यायीकार संबंधी ये प्रकरण यहाँ पूर्ण हुआ। इन शैलियों के संदर्भ में, इनके विविध प्रयोगों के संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा आगे यहाँ की है। पढ़ना आप लोग, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछना मेरे से। और अभी तक आप लोगों को मैंने कॉपियों के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न लिखवाए हैं, जितने प्रश्न आप लोग लिख चुके हैं उन प्रश्नों को बतलाना आप, कल तैयार करके लाना, ठीक है ना? कोशिश करना जितना भी हो सब एक जगह पर हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, फिर हम बात करेंगे कहाँ तक लिख लिए हैं उसके आगे। तो कल की जो क्लास अपनी होगी वो अपन उसी संदर्भ में चलेंगे, विविध विषयों के, मतलब वो जो पीछे से जो प्रकरण अभी तक अपन ने पढ़ा है 184 पेज तक, उसमें यदि आप लोगों को कोई शंका हो तो आप पूछना, उनके प्रयोगों को देखना, उनकी प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने की बात करना। जहाँ तक प्रश्न लिखे हैं उसके आगे प्रश्न लिखवाएंगे, ठीक है ना? और मैक्सिमम तो चांस यही है कि जितने प्रश्न लिखवाए हैं उन्हीं में से परीक्षा में आएंगे, क्योंकि लगभग पूरे विषय को समेटते हुए अपन ने प्रश्न लिखने का प्रयास किया है। जहाँ तक लिखे थे उसके आगे के जो बचे हैं वो भी लिख लेंगे अपन, ठीक है? आज कुछ कम दिख रहे हैं क्या, कहीं चले गए हैं विद्यार्थी? फॉर्म भरने।